मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ, घर पर रहना इतना आसान नहीं है। हम सबको आदत है बाहर घूमने जाने की, दोस्तों के साथ मिलने की, काम पर जाने की। अब सारे घर के सदस्य जब एक साथ घर में रहे तो मुश्किल ही होने वाला है। इसलिए जरूरी नहीं है कि फैमिली के सारे सदस्य सारा काम करें। आपके जो मन में आए वही कीजिए, जो अच्छा लगता है वही कीजिए, लेकिन घर पर रहिए। Hi everyone. I'm recording this message at home and I hope you're seeing this at home. Social distancing and staying at home are two critical steps to help stop the spread of the coronavirus. The next 10 to 15 days are extremely crucial. Please avoid all public places. We all must do our bit to help fight in this crisis. And please follow the instructions issued by the state government. Stay home, stay safe, and take care. Yeah. पब्लिक हॉलिडे नहीं है भाई, ये बड़ा सीरियस मामला है। ये सब बंद करो, मास्क पहनो, प्रोटेक्ट करो अपने आप को, हाथ धो, साफ सुथरे रहो, लोगों से दूर रहो। ये सब करने में क्या दिक्कत है आपको? अगर किसी की जान बच रही है, जाने बच रही है, सैकड़ों जाने बच रही हैं आपकी खुद की, तो क्यों नहीं कर रहे हो आप? करो यार, ये जिंदगी का सवाल है, करो ये प्लीज, दरख्वास्त है। थैंक यू। द नेक्स्ट 10 टू 15 डेज आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली क्रूशियल टू फाइट दिस क्राइसिस। द गवर्नमेंट एंड द सिटीजंस हैव टू पुट अप अ स्ट्रॉन्ग जॉइंट फ्रंट। सो आई अपील अगेन, प्लीज डू नॉट पैनिक, प्लीज बी केयरफुल अबाउट मिस इन्फॉर्मेशन, एंड प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस इश्यूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। हर बार मैं आपसे दिल की बात प्यार से बोलता हूँ, पर आज कसम से इतनी खुंदक आ रही है ना कि कुछ गलत शब्द अगर मुंह से निकल जाए तो मुझे माफ़ करना। पर दिमाग हिल गया कर कुछ लोगों का है, क्या हो गया लोग? किसको लॉकडाउन का मतलब समझ नहीं आ रहा? लॉकडाउन का मतलब होता है घर पर रहो, घर के भीतर रहो, परिवार के साथ रहो, सड़क पे तफरी करने के लिए निकल ना जाओ। बड़े बहादुर बन रहे हो आप लोग बाहर जाके, ये सब धरी की धरी रह जाएगी, ये सब आपकी बहादुरी सब इधर ही रह जाएगी। खुद भी अस्पताल जाओगे और अपने परिवार वालों को भी साथ ले जाओगे, माँ बहन बाप बीवी सब के सब पहुंच जाएंगे, कोई नहीं बचेगा अगर ध्यान नहीं रखोगे। यार अकल का इस्तेमाल करो, हाथ जोड़ के कह रहा हूं। मैं फिल्मों में स्टंट करता हूँ, गाड़ियाँ उड़ाता हूँ, हेलीकॉप्टर से लटकता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ, पर सच में कह रहा हूँ, जान सूखी हुई है। मजाक नहीं है इस टाइम, ये बीमारी के सामने सबकी हालत बुरी है, पूरी दुनिया की हालत बुरी है। अपने परिवार के हीरो बन सकते हो तुम लोग, जिंदगी के खिलाड़ी बनो। सिर्फ घर पे रहो, बस घर पे रहो, बस सिर्फ घर पे रहो। जब तक सरकार कह रही है घर पे रहो, इससे आपकी जान बची रहेगी, आपके परिवार की जान बची रहेगी। कोरोना के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है, हमें इसे हराना है, इस डिजीज को हराना है, कोई चॉइस नहीं हमारे पास। बाकी अगर कोई लड़ाई होती, कोई जंग होता, तो मैं आप लोगों से कहता चलो उठो वीरों सैनिकों लड़ो, लेकिन ये जंग, इसके लिए मैं आप लोगों को कहूँगा हाथ धो के सिर्फ घर पे बैठे रहो, बस बैठे रहो, चुपचाप अंदर ही रहो। जब तक सरकार नहीं कहती है बाहर मत आओ, मैं फिर आऊंगा आप लोगों से पूछने की कि आप लोग खिलाड़ी बने हो या बेवकूफ बने हो। घर पे रहो, धन्यवाद। कि हम सब कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उसी तरह एक जन आंदोलन बनाएं जैसे हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन बनाकर भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाया था। और सुनिए, जिस तरह हम सब ने मिलकर हमारे दो बूंद जिंदगी के अभियान में शामिल होकर के भारत को पोलियो से मुक्त किया था, मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि कोरोना वायरस को रोकने में आप देश का सहयोग इन तीन कार्यों के द्वारा करें। पहला, अपने शौचालय का नियमित रूप से इस्तेमाल करें और खुले में शौच के लिए बिल्कुल ना जाएं। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी, समाज से दूरी बनाए रखें और केवल किसी
आपातकालीन स्थिति हो या किसी इमरजेंसी हो तभी आप घर से बाहर निकलें या जाएं। तीसरी बात, दिन में अनेक बार अपने हाथों को साबुन से कम 20 सेकंड तक धोएं और अपनी नाक आंख मुंह को बिल्कुल न छुएं। नमस्ते, हमारी सरकार ने और दुनिया भर की हेल्थ एक्सपर्ट्स ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि हम घर पर रहें और जब तक कोई इमरजेंसी ना हो हम बाहर ना जाएं। लेकिन फिर भी कई लोग इसे सीरियसली नहीं ले रहे। मैंने कुछ वीडियोस भी देखे हैं जहां लोग अभी भी बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं। सबको लगता है हम बाहर जाएं, दोस्तों से मिलें, उनके साथ गेम्स खेलें, लेकिन अभी ये देश के लिए बहुत हानिकारक है। याद रखिए, ये दिन छुट्टियों के दिन नहीं है। कोरोना वायरस अगर आग है तो इसे फैलाने वाली हवा हम हैं। इस वायरस को रोकने का एक ही तरीका है कि हम सब अपने घरों में रहें। डॉक्टर्स, नर्सेस, हॉस्पिटल स्टाफ जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं और उनकी कही हुई बातों को मान सकते हैं। मैं और मेरा परिवार 10 दिनों से हमारे दोस्तों को नहीं मिले हैं और अगले 21 दिन तक भी नहीं मिलेंगे। इसे एक मौका समझे अपने फैमिली के साथ वक्त बिताने का। आप अपने आप को, हमारे समाज को, हमारे देश को और सारी दुनिया को इस वायरस से बचा सकते हैं सिर्फ अपने अपने घरों में रहकर। धन्यवाद।